सजीत साले के दोस्तों कैसे हैं आप? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैर आप ये होंगे। तो आज हम ये हुए थे मार्केट मार्केट से हमने लाना था माइलो का, लाडू रानी का और शेरू का चारा। तो हम चारा लेके आए हैं, बहुत से लोग कमेंट्स में कमेंट्स करके पूछ रहे थे कि आप इस शेरू को क्या खुराक डालते हैं। तो ऐसिन भाई और ये गए हुए थे अब्दुल्ला चारा लेने के लिए। तो ऐसिन भाई को कहेंगे हमें ना स्टेप बाय स्टेप चारा भी दिखाए क्या क्या है और इसका मिक्सर बना के किस तरह इस्तेमाल करते हैं। वैसे भाई ये अभी सीधा कर रहे हैं, फिर हमें ऐसे में बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें लाए हैं आप। ये सिर्फ शेरू का दाना है, सिर्फ शेरू का दाना है। ये जो दाल चना है, चने इसका मिक्सचर है। दाल चना, दाल चने का मिक्सचर है, दाल मीन्स साबुत दाल, दाल चना। जिसे दाना कहते हैं। बहुत एक्सपेंसिव चीज़ है, सिर्फ ये शौक वाला बंदा ही समझ सकता है। तो अब इन्हें हम सब चीज़ों को मिक्स करके एक ही दफ़ा ना संभाल लेंगे। ये मकई, मकई मिक्स मकई, मिक्स मकई उतरी हुई है, बारीक बारीक पीसीज हुए हुए हैं इसके। ये जी बीज है, स्पेशल बीज। स्पेशल बीज, इसमें क्वालिटियाँ होती हैं, हल्की क्वालिटी में भी होता है और अच्छी क्वालिटी में भी होता है। तो हमने पता है कि हमने कौन सा कोई बेचना है, ला के हमने अपने इस्तेमाल के लिए लेना है जानवर के लिए, तो हम चीज़ स्पेशल करते हैं, दाल स्पेशल चने का इस्तेमाल करते छिलका हैं। ग्राइंड हुआ जिसे सूडीमेंट कहते हैं। सूरी बंडा, तो ये दाल ही ग्राइंड हुई है, चना चना लग रहा है मुझे ऐसे भाई, दाल और चना मिक्स है। दाल और चना ग्राइंड हुआ है, इसे सूरी बंड के नाम से मार्केट से मिलता है ये सनी और वालों का चोकर है, इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेड चोकर आप जानते तो होंगे, इससे सब वाकिफ होंगे। ये चोकर है छिलका, और ये छिलका है, चने चने का छिलका है, काला चना नहीं जो सा होता, ये उसका छिलका है। ये शेरू के खाली खुराक, ये खाली शेरू की स्पेशल खुराक होती है और माइलो और लाडो रानो की अलग खुराक होती है, क्योंकि ये हमने अल्लाह की राह में कुर्बान करना होता है। तो इसके लिए स्पेशल से स्पेशल जितनी हमारी कोशिश हो सके हम चीज़ लाते हैं और इस्तेमाल करते हैं। तो अब इसे ऐसे मैंने मिक्स करना शुरू कर दिया, दोनों हाथों के साथ अच्छी तरह मिक्स कर देना है, ताकि ये जो सारा दाना वंडा है एक तरह का हो जाए, एक शक्ल इख्तियार कर ले सारी। कि फिर हम ये रोज़ रोज़ इस्तेमाल करना है या थोड़ा थोड़ा डालना बहुत अजीब और बहुत डिफ़िकल्ट होता है, कभी कम डल जाता है, कभी ज़्यादा डल जाता है। तो हमने टोटल पैमाइश के हिसाब से चीज़ें बनवा के ले आते हैं और फिर हम इनको अच्छी तरह मिक्स करके फिर डेली बेस के हिसाब से जो हमने इस्तेमाल करना होता है थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करते रहते ये हैं। दाना बहुत स्पेशल था और बहुत महंगा भी मिला, आज के दौर में शो करना सबसे मुश्किल काम है, पर अल्लाह की राह का माल अल्लाह की राह में देना चाहिए। बिल्कुल अहसन भाई की बात सही है। बहुत मेहनत के साथ करते हैं माशाल्लाह, पसीने पसीने हो गया, पंखा चल रहा है ऊपर फिर भी पसीने पसीने हो गया अभी ने। माशाल्लाह सारे लोग कमेंट्स में बोलिएगा क्या आपको हमारे शेरू का बंडा कैसा लगा है, अगर इसमें कोई कमी पेशी करनी हो तो फिर भी हमें अपनी कीमती राय लाजमी दीजिएगा। तो जी ऐसे भाई ये किसका है? जी ये हमारी जो सी है सेकंड डाइट है, वो स्पेशल डाइट है जो सी शेरू को एक टाइम पे दी जाती है, और ये सेकंड सेकंड डाइट है, सेकंड सेकंड टाइम जो सी दी जाती है वो माइलो और लाडो रानी के साथ शेरू को जो दी जाती है वो है। ये सिर्फ ऐसे मैंने सबसे पहले ली है तूड़ी, तूड़ी तूड़ी ली है पहले और फिर ऊपर ये तूड़ी आ गई है और ये जवी है, यानी कि दोनों मिक्स करवाई हैं ऐसे भाई ने वहीं से। तो अब्दुल्ला भाई अभी लाइट लाइन ज़रा सही नज़र नहीं आ रहा, तो ये ऊपर छिलका डाला है थोड़ा सा, ये जी स्पेशल दाना, ये स्पेशल दाना है जैसा कि पिछली वीडियो में डाला था, और इसी तरह दूसरी यानी कि स्पेशल वनडे में भी डाला है, तो इसमें भी थोड़ा सा ऐड करते हैं हम। ये स्पेशल दाना डाला है, अब ऐसे में इसको भी सारे को मिक्स करेंगे आप, ये तो बहुत ज़्यादा है तो टाइम भी काफ़ी लगेगा। मशीनों वाला काम इंसान आजकल कर रहे हैं। तो अब क्या चीज़ डालनी है और मजीद? बस ये दिल थाम के बैठिएगा, सबसे महंगा वाला काम आने लगा है। मिक्सर जी दोस्तों, जैसा कि वो शेरू के लिए हमने स्पेशल बनवाया था थोड़ा थोड़ा, और माइलो वो ये तीनों का इकट्ठा है, तो इसके लिए मिकदार इसकी बहुत ज़्यादा है। ये चोकर और सूरीमंड मिक्स करवाया हुआ है, अब इन सबको अच्छी तरह हम मिक्स करके इनको फिर हम थैले के अंदर डाल लेंगे भरे में, कि डेली बेस की तरह हमने जो इस्तेमाल करना है। ये खल है, तो ये खल है हमारी, ये जो वनडे में साथ हम मिक्स करके देते हैं दोनों जानवरों को।
ये तकरीबन हम एक हफ्ते का सामान लेके आए हैं और इंशाल्लाह एक वीक के अंदर अंदर दोबारा फिर हमारा चक्कर लगेगा मार्केट से, फिर हम लाते हैं ये, हम इकट्ठा ही बना लेते हैं सारा, तो फिर हम आस्ता आस्ता इन्हें इस्तेमाल करते रहते हैं। जी ऐसे मेरी घर में बिस्मिल्लाह पढ़ के इसमें काफ़ी डस्ट वगैरह भी उड़ रही है, तो वो फिर एलर्जी हो जाती है, इस वजह से इसको थोड़ा सा ऊपर खड़ा होके बेलचे के साथ जल्दी जल्दी कर रहे हैं। वैसे तो इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा अगर हाथों से करने बैठ के जैसे शेरू का किया, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ये देखिए माशाल्लाह, तो इंशाल्लाह हमने अब एक थोड़े दिनों में ऐसे भाई के साथ में बात करा था, थोड़े दिनों में हमने एक नई बकरी लानी है, बट हमें समझ नहीं लग रही है कौन सी बकरी लाएँ, तो इंशाल्लाह मंडी चक्कर लगाएंगे जल्दी। तो आप कमेंट में लाजमी बताइएगा कि हम किस कैटेगरी की कौन सी ब्रीड की नस्ल की बकरी लाएं जो अच्छी हो, तो बाकी लोगों ने बताना है फाइनली कौन सी लानी है, बाकी आप अपनी कीमती राय लाजमी दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो ये माशाल्लाह दाना हमारा मिक्स हो चुका है, इसको हम थैलो में डालेंगे, डाल के फिर आपको दिखाते हैं। ओके अगली जाओ बोला जे कोई जान जाले जान जाले आ देख। दोस्तों हैदर कह रहा है कि ये सारे मेरे जंगली जानवर हैं। तो अगर आप सब भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल इंशाल्लाह हम मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अब दे हमें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।